हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग एनएसएससी। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन एक देखते सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर वेयर पोर्ड इनटू टू एम्प्टी जार ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी विच मेड वन जार वन फोर्थ फुल एंड अदर जार वन थर्ड फुल। मतलब यहाँ पे दो जार का बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो जार है, मान लो ये एक जार है और ये एक जार है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, बहुत ईजिली बन जाएगा। बोल रहा है क्या कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग क्या करें, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ जब हम वाटर डाल रहे हैं यहाँ पे, तो हो क्या रहा है, पहला वाला जार जो है वो वन थर्ड फुल हो जा रहा है, फर्स्ट वाला वन फोर्थ फुल हो रहा है। तो चलिए इसको मान लेते हैं कि ये वन फोर्थ, मतलब इसको चार भाग में बांट दिया, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। तो पहला वाला जो इसका वन फोर्थ फुल हो जा रहा है, पूरा चार भाग है तो एक भाग फुल हो जा रहा है, और दूसरा में जब सेम अमाउंट हम डाल रहे हैं तो उसमें वन थर्ड फिल हो रहा है। मतलब मान लो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसका क्या हो रहा है, थ्री पार्ट, मतलब वन, अगर थ्री पार्ट है तो एक पार्ट फिल हो जा रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि बताओ, इफ वाटर ऑफ द जार इन द लेसर कैपेसिटी इज पोर्ड इन टू द जार विद ग्रेटर कैपेसिटी, तो बोल रहा है कि देन द पार्ट ऑफ लार्जर जार फिल्ड विद वाटर। क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हम क्या करें, दोनों जार में डाल रहे हैं। तो आप कुछ भी मान लो, मान लेते हैं कि हम 1 लीटर वाटर जो है वो क्या करें, दोनों जार में डाल रहे हैं 1 लीटर का। तो अगर मैं 1 लीटर यहां पे डाला, तो मान लो इसका 1/4 फुल हुआ, मतलब क्या, ये मान लेते हैं ये फिल हो गया, ये मैंने 1 लीटर डाल दिया था। तो आप थोड़ा सा एक बात सोचो कि ये 1 लीटर जब मैंने डाला था तो इसका 1/4 फुल होने का मतलब क्या, ये भी 1 लीटर वाला था, ये भी यहाँ पे भी 1 लीटर अट सकता था और यहाँ पे भी क्या हो सकता था, 1 लीटर ही अट सकता था। इसका मतलब इसका कैपेसिटी कितना होगा, 4 लीटर होगा, सिंपल सा बात है, तभी तो 1/4 फुल हुआ ना। और जब 1 लीटर मैंने इसमें डाला तो इसका 1/3 फिल हुआ, मतलब 3 पार्ट में, मतलब यहाँ पे जो था, अगर ये 1 लीटर है तो ये 1/3 फिल हो रहा है, मतलब ये वाला भी कितना है, 1 लीटर वाला होगा, ये भी वाला कितना होगा, 1 लीटर वाला होगा। मतलब इसका कैपेसिटी अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि ये कितना है, 3 लीटर का, ठीक है। तो अभी मुझे क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि ये आपने, आप समझ गए, आपने मान लिया था कि 1 लीटर पानी मैंने दोनों में डाल दिया था और कैपेसिटी भी आपको पता चल गया। अभी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ द वाटर इन द जार विथ लेसर कैपेसिटी, तो इन दोनों में देखो लेसर कैपेसिटी किसका है, 3 लीटर वाले का। बोल रहा है इसमें जितना वाटर है उसको क्या किया मैंने, बड़े वाले में डाल दिया, मतलब इसका 1 लीटर निकाल के और इसमें डाल दे रहे हैं। तो और अगर 1 लीटर डाल दोगे तो इसमें क्या होगा, और यहाँ पे ये भी फिलअप हो जाएगा, तो यहाँ पे और आपने 1 लीटर डाल दिया पानी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि देन पार्ट ऑफ लार्जर जार फिल्ड विथ वाटर, मतलब ये जो लार्जर वाला है इसका कितना पार्ट फिल है। तो सिंपली आप ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो ये इसका क्या है, टोटल 4 भाग था जिसमें 2 भाग फिल हो गया, मतलब क्या हो गया, हाफ फिल हो गया, ऐसे भी बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे भी सोचो, बोल रहे हैं कि पार्ट ऑफ लार्जर जार फिल्ड विद वाटर, तो कितना लीटर इसमें है, 2, और इसका कैपेसिटी कितना है, टोटल 4, तो कितना होगा, ये हो जाएगा हाफ। इसका मतलब जो लार्जर जार है वो कितना फिल होगा, वो हाफ फिल हो जाएगा। देखो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन होगा, तो क्वेश्चन में बोला था कि 2 जार है, एक जार जो है उसमें हम लोग दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल रहे थे। तो पहले वाले में जब हम लोग डाल रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, पहला वाला जार का 1/4 फुल हो रहा है, मतलब पूरा जार अगर जितना भी होगा उसका 1/4, और दूसरा का कितना फिल हो रहा था, 1/3। तो इसलिए मैंने मान ही लिया कि मैंने 1 लीटर पानी डाला। आप कुछ भी ले सकते हो, 2-3 लीटर कुछ भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि 1 लीटर जो है वो मैं डाल रहा हूँ, तो 1 लीटर जब मैंने इसमें डाला था तो इसका 1/4, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था समझने के लिए। तो यहाँ पे जब इसको क्या हो गया, इसका 1/4 फुल हुआ, मतलब 1 लीटर फिल हो गया। तो अगर ये 1 लीटर का है तो ये भी क्या होगा, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, तो टोटल क्या होगा, 4 लीटर का होगा, ये मुझे समझ में आ गया था। और यहाँ पे क्या था, जब इसमें भी 1 लीटर डाला तो 1/3 फिल हुआ, मतलब क्या हो गया, ये देखो ये 1 लीटर का है तो ये भी 1 लीटर और ये भी 1 लीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 लीटर का हो गया। और ऐसे भी देखो, कभी भी फ्रैक्शन जैसे 1/4 बोलता है ना, इसका मतलब ये होता है कि 1 out of 4, मतलब अगर कोई 4 लीटर का जा रहा है तो उसका 1 लीटर फिल हो गया। 1/3 बोल रहा है, मतलब अगर कोई 3 लीटर का है तो 1 लीटर फिल हो गया, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो उसके बाद बोला था कि इन दोनों में जो लेसर कैपेसिटी का है उसको क्या किया, पोर किसमें कर दिया, बड़े वाले में डाल दिया, तो 1 लीटर और डाल दिया, तो कितना हो गया, इसमें 2 लीटर हो गया, टोटल कितने का था, 4 लीटर का, तो कितना फिलअप होगा, हाफ फिलअप होगा, ठीक है। तो इस तरीके का देखो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि एग्जाम में क्या हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप बना पाओ। अगर आप पहली बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, और बनाने लगोगे तो टाइम भी लग जाएगा, इसलिए ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है,
और जब पूछता है तो देखो, अगर आप इसका सही अप्रोच अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप क्या करते हो, मिस्टेक कर देते हो इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे देख रहे हो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि मैन सेल्स टू अ कस्टमर हाफ ऑफ इट्स स्टॉक ऑफ ऑरेंज एंड वन ऑरेंज मोर फ्रॉम हिज रिमेनिंग स्टेक। मतलब क्या किया, सबसे पहले कोई कस्टमर आया तो क्या किया, आधा उसको सेल कर दिया और एज ए गिफ्ट जितना उसके पास था उसमें से और एक ऑरेंज उसको दे दिया। ठीक है, अभी उसके पास कुछ बच जाएगा, फिर क्या करेगा, जब दूसरा कस्टमर आएगा तो उसको भी क्या करेगा, उसको भी आधा दे देगा और जितना उसके पास बचेगा उसमें से और एक क्या कर दिया, वो गिफ्ट के तौर पे उसको दे दिया। थर्ड कस्टमर आया, उसको भी क्या किया, जितना उसके पास था उसको आधा दे दिया और एक क्या किया, जितना बचा उसका एक और एक्स्ट्रा दे दिया। इस तरीके से क्या दिया, तीन कस्टमर के बाद देख रहे हैं कि उसके पास 25 ऑरेंज बचा हुआ है। तो आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑरेंज ही हैड इन द बिगनिंग, शुरू में कितना ऑरेंज था उसके पास। तो देखो, इसको बनाने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम लोग ऑप्शन से जाएं, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा ऑप्शन वाला देख लो, क्योंकि अगर ज़्यादा दिमाग एग्जाम में काम नहीं करता है ना, तो ऑप्शन ही काम आता है। तो देखो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 415, ये पहला ऑप्शन है। तो देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला कस्टमर को कितना दिया था, वो हाफ दिया था, और ये देखो 415, इसको तो हाफ कर ही नहीं सकते हो ना, किसी को आधा ऑरेंज तो वो देगा नहीं। इसका मतलब पहला वाला तो ऐसे ही क्या करोगे, आप इलिमिनेट कर दो, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन जो था, दूसरा ऑप्शन वो दिया हुआ था 430, ठीक है। इसके हम लोग थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, तो देखो इसमें से क्या क्या, पहले हाफ फर्स्ट कस्टमर को दिया, तो कितना दिया होगा 215। मान लो पहला वाले को दे दिया, फर्स्ट कस्टमर को 215 दे दिया, या फिर ये वाला 215 दे दिया, तो इसके पास बचा कितना, 215 बचा। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब मान लो एक जो बचा इसके पास, इसमें से एक और दे दिया था, तो कितना बच गया इसके पास, 214। ये हो गया फर्स्ट कस्टमर को देने के बाद, ठीक है। फिर जब सेकंड कस्टमर आएगा इसके पास तो क्या करेगा, हाफ दे देगा। तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो गया, 107। हाफ मतलब 107 सेकंड कस्टमर को दे दिया, बचा कितना है इसके पास, 107। इसमें से क्या करेगा, 107 जो बचा उसमें से भी क्या करेगा, एक और उसको गिफ्ट के तौर पे दे दिया। मतलब इसके पास बच कितना गया, 106 बच गया, ठीक है। अभी ये हो गया सेकंड कस्टमर के बाद, अभी एक थर्ड कस्टमर भी आएगा, थर्ड कस्टमर को भी क्या करना है, इसको हाफ देना है। तो हाफ देगा तो क्या होगा, देखो 53 दे दिया उसको और बचा कितना है इसके पास, 53 बचा। अभी इस 53 में क्या करेगा, एक और उसको गिफ्ट भी करेगा, तो वन और इसको गिफ्ट कर दिया, कितना हो गया इसके पास, 52 बच गया, ठीक है। ये 52 बच गया उसके पास। ये हो गया सेकंड कस्टमर के बाद वाला केस, मतलब थर्ड कस्टमर वाले, ठीक है। फर्स्ट इसके पास 430 था, पहला कस्टमर को 215 बेच दिया, एक और एक्स्ट्रा दे दिया, 214 बच गया। सेकेंड कस्टमर आया, इसका हाफ दे दिया, मतलब 107 तो दे ही दिया था, अपने में से एक और एक्स्ट्रा दे दिया था, ठीक है, तो बच गया इसके पास 106। उसके बाद क्या किया, फिर एक थर्ड कस्टमर आया, उसको हाफ दे दिया, मतलब 53 दे दिया, और जो इसके पास 53 बचा था उसमें से और एक्स्ट्रा भी दे दिया 52। और उसके बाद क्या बोला, एक फोर्थ कस्टमर भी आया, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्थ कस्टमर का जब बात करेंगे तो वहाँ पे क्या था, इसके पास 52 ऑरेंज बचा हुआ था, इसमें से क्या किया, ये हाफ दे दिया उसको, मतलब 26 दे दिया, तो बचा भी कितना होगा इसके पास, 26, और फिर एक और एक्स्ट्रा उसको गिफ्ट कर दिया, मतलब फाइनली इसके पास कितना बचा, देखो 25। क्वेश्चन में भी क्या बोला था कि तीन कस्टमर, फोर्थ कस्टमर देन फोर्थ कस्टमर, यस, फोर्थ कस्टमर देने के बाद जो है फाइनली उसके पास कितना बचा था, 25। आपको भी क्या मिल गया, 25। इसका मतलब आंसर क्या था, उसके पास टोटल कितना था, 430 था, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन से मिल जाएगा। देखो इसका अगर हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी मैं आपको चेक करके बता दे रहा हूँ। देखो अगर हम लोग थर्ड वाले को अगर चेक करें, थर्ड ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन कितना था आपके पास, 450 था। तो 450 में क्या होता, पहले आप हाफ करते तो कितना देते, 225 देते, बचता कितना उसके पास, 225, एक उसको और गिफ्ट कर देता हूँ, तो मतलब उसके पास कितना बच जाता, 224 बच जाता, ठीक है। अभी इसमें से फिर वो आधा कर सकता था, तो 112 दे देता, बचता कितना, 112। लेकिन फिर जब उसको एक जब गिफ्ट करने जाता तो इसके पास फाइनली कितना बच जाता, 111, और इसके बाद ये इसको हाफ ही नहीं कर पाता, तो हाफ नहीं कर पाता मतलब यहीं पे खत्म कर देते। इसका मतलब ये भी आंसर क्या होता, नहीं होता। फोर्थ वाला देखो कितना ऑप्शन दिया था, 460, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो 460 वाले से भी आप सॉल्व करते ना तो भी नहीं बनता, हाफ ऑफ करते 230, और उसके बाद इसको एक गिफ्ट कर देते, कितना बचता आपके पास,
229 बजता है और फिर इसका आप लोग हाफ ही नहीं कर पाते तो वहीं पे इस ऑप्शन को छोड़ देते, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ऑप्शन से बना लेते, बहुत जल्दी बन जाएगा। समझाने के लिए देखो इतना टाइम लग रहा है, जहां पे भी देखोगे हाफ देना है ना, तो जहां पे भी अगर ऑड नंबर आ गया मतलब हाफ वो दे ही नहीं पाएगा, तो वहीं पे छोड़ के दूसरा ऑप्शन में चले जाओगे। तो इसमें क्या होगा, या तो दो तीन ऑप्शन जल्दी से इलिमिनेट हो जाएगा या फिर जो करेक्ट वाला होगा वही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है बनाने का। दूसरा एक और तरीका हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सेकंड तरीका क्या होता है इसको बनाने का। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वो चार कस्टमर को सेल किया है और उसके बाद फाइनली उसके पास कितना बच रहा है, फाइनली उसके पास बच रहा है 25, ठीक है। तो हम लोग बैक कैलकुलेशन थोड़ा करना स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा लॉजिक दिमाग में रखना, क्या कर रहा है वो, जितना था उसके पास उसका आधा दे रहा है और साथ में क्या कर रहा है, एक गिफ्ट भी कर दे रहा है, ठीक है। तो वो गिफ्ट वाले केसेस को हम लोग क्या करेंगे, कैसे डील करेंगे। तो मेरे पास 25 बचा है ना, तो सबसे पहले 1 ऐड करूंगा, गिफ्ट वाला जो गिफ्ट दिया था उसको मैंने वापस ले लिया, तो क्या हो गया मेरे पास एक तो बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 26 हो गया। और इसको मैं क्या करूंगा, डबल कर दूंगा, तो मेरा कितना मिल गया 52। ये मिला, ये पहला बार हुआ, ठीक है, ये आपका हुआ फर्स्ट। नीचे से आप करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या करोगे, आपने जो गिफ्ट दिया होगा सेकंड वाले को उससे एक आपने ले लिया, तो इसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो गया ये 53, और इसका डबल कर दो तो ये कितना हो गया 106, ये हो गया सेकंड टाइम्स, ठीक है। हम लोग नीचे से जा रहे हैं, मतलब फोर्थ कस्टमर थर्ड कस्टमर ऐसा मैं बता रहा हूँ। फिर आपके पास 106 जो था उसमें से आपने एक गिफ्ट दिया तो उसको आप वापस ले लो, तो 1 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 107 हो जाएगा, और इसका आप क्या करोगे डबल कर दोगे, तो ये डबल करोगे तो कितना हो गया 214, ये आपका हो गया थर्ड कस्टमर वाला केस, लेकिन चार कस्टमर था। फिर क्या करोगे, जो आपने गिफ्ट दिया था वो आप वापस ले लोगे, मतलब एक ऐड कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा 215 हो जाएगा, और फिर इसका डबल कर लो तो ये क्या हो गया 430, यही क्या था फोर्थ वाला, और टोटल फोर्थ ही था ना, इसका मतलब आपने, आपके पास ऑरेंज कितना था 430 था। मतलब क्या करना है, जितना आपके पास बचा है और जितना आप गिफ्ट दे रहे हो, जैसे 1 गिफ्ट दे रहे हो, 2 गिफ्ट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, आप क्या करो पहले उसको अपने पास ले आओ, मतलब उसको ऐड कर लो और उसको डबल करते जाओ, क्योंकि वो कर क्या रहा था, हाफ करके गिफ्ट भी तो दे रहा था, तो गिफ्ट वापस लिए और उसको डबल कर लिए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, इससे भी आप लोग बना सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शन से बहुत लोग कंफर्टेबल होते हैं, फटाफट कर लेते हैं, और कुछ लोग को चाहिए नहीं भाई मुझे ऑप्शन से नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे मेथड ही जानना है, तो मेथड जानना है तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। जितना गिफ्ट दे रहा है उसको एक्सेप्ट करो, अपने पास ले आओ, और डबल कर रहा है तो डबल कर लो, अगर 1/3 बोलता है तो 3 times कर लेते, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, तभी जाके देखो कि एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओगे और टेंशन नहीं होगा। देखो ये सब क्वेश्चन बनाने लगे और ये सब इजी देखने में इजी लगता है कि क्या है, चलो हाफ आप तो कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम लोग क्वेश्चन के बीच में फंस जाते हैं, और बीच में फंसोगे ना तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि ना आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ पाओगे और ना ही क्या कर पाओगे उसको, मतलब स्किप कर पाओगे, तो फंसे रह जाओगे। तो ये सब चीज़ नहीं करना है आपको एग्जाम में, अच्छे से समझो, और अगर कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में स्टक होते तो छोड़ के आगे बढ़ो, उसके पीछे मत पड़े रहना एग्जाम में, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं।